क्या आप लोग लैपटॉप खरीदना चाहते हैं या डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं? क्या आप कंफ्यूज हैं कुछ टेक्निकल टर्म्स से? हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो कि i3, i5 और i7 प्रोसेसर में क्या फर्क है। हो सकता है इसके बाद आपको कोर शब्द का मतलब भी ठीक से क्लियर नहीं होता हो। हम बोलते हैं कोर i3, कोर i5, कोर i7। और इसके बाद एक और टर्म आपको परेशान करता है, वो है हाइपर थ्रेडिंग। इसके बाद भी मुश्किल यहां पर रुकती नहीं है, आपको एक और टर्म परेशान करता है जो होता है जनरेशन। आपने देखा होगा प्रोसेसर जब भी आप देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है वो 6 जनरेशन का, 7, 8, 9, 10 जनरेशन का हो सकता है। तो ये सब चीजों के बारे में आपको अगर सटीक जानकारी नहीं है तो आपको शायद ठगा जा सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इन सब चीजों के बारे में मैं आपको सटीक जानकारी देने वाला हूं, जिससे आप अगर कंप्यूटर खरीदने जा रहे हैं तो आपको कोई ठग ना सके। तो दोस्तों आप देख रहे हैं mysurgy.com का चैनल और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों यहां जरूरी है सबसे पहले हम समझ ले कोर का मतलब क्या होता है, और कोर से भी पहले आपको समझ में आना चाहिए सीपीयू क्या होता है। सीपीयू उन सभी लोगों ने भी सुन के रखा हुआ है जो टेक्निकल बैकग्राउंड के नहीं है। देखिए कंप्यूटर की जरूरत आजकल सभी लोगों को है, चाहे वो टेक्निकल बैकग्राउंड के हो या ना हो, क्योंकि हर एरिया में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। इवन छोटे बच्चों तक को कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है। तो सीपीयू का मतलब होता है प्रोसेसिंग यूनिट। आपके कंप्यूटर में बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस लगे होते हैं, लेकिन उन सब में अगर सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस की बात करी जाए तो वो होता है प्रोसेसर, या जिसको हम बोलते हैं सीपीयू। बहुत समय तक ये सीपीयू सिंगल प्रोसेसर ही आते रहे पर्सनल कंप्यूटर्स में, यानी जो जनरली हम कंप्यूटर्स देखते हैं। सुपर कंप्यूटर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो जनरल पर्पस कंप्यूटर हम लोग खरीदते हैं उसमें सिंगल प्रोसेसर ही आता है। तो एक प्रोसेसर मतलब एक सीपीयू ही हम बोलते आ रहे हैं। इस प्रोसेसर के अंदर, इस सीपीयू के अंदर होती क्या चीजें हैं? इसमें मेनली तीन चीजें होती हैं। एक कहलाता है मेमोरी यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट, तीसरा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो आपका कोई भी प्रोग्राम, कोई भी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में चल रहा है उसको रन होने के लिए जरूरी है प्रोसेसर के पास जाना। यानी हमारे प्रोग्राम में होती हैं इंस्ट्रक्शंस, छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर, कमांड या निर्देश। ये निर्देश बारी बारी से जाते हैं प्रोसेसर के पास, जहां पर एग्जीक्यूट करने के लिए पूरा सिस्टम बना होता है। और ये तीनों चीजें मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड ALU मिलकर बनती है प्रोसेसिंग यूनिट। तो अब लोगों ने यह सोचा कि भाई एक कंप्यूटर में प्रोसेसिंग स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि आप तो एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स भी स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर एक ही प्रोसेसर इन सबको एक साथ एग्जीक्यूट तो कर नहीं सकता, तो फिर कहीं ना कहीं टाइम लैग आता है और आप देखते हैं कि कंप्यूटर कभी कभी स्लो हो जाता है। तो प्रोसेसिंग पावर को बढ़ाने के लिए एक्सपेरिमेंट यह किया गया कि एक ही कंप्यूटर में एक से ज्यादा प्रोसेसर लगा दिए। मान लीजिए दो प्रोसेसर लगा दिए तो दो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गई। तो कहना चाहिए कि दो यूनिट मिलकर आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कर रही है, तो इसमें पैरेलल कंप्यूटिंग हो गई, यानी एक साथ दो काम पैरेलल ही हो सकते हैं। इससे प्रोसेसिंग पावर तो बढ़ गई आपके कंप्यूटर की, फास्ट काम तो करने लग गया, लेकिन हुआ यह कि आपका कंप्यूटर हो गया महंगा, क्योंकि उसमें लगे हैं दो प्रोसेसर्स। तो फिर इंटेल जैसी कंपनी ने क्या किया, ये दोनों यूनिट को, दोनों प्रोसेसर को मिलाकर एक सिंगल यूनिट बना दी, यानी एक सिंगल चिप, एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट जो लगभग इतना बड़ा होता है। इस सर्किट के अंदर एक से ज्यादा प्रोसेसर्स उन्होंने कंबाइन कर दिए, मतलब कहने को वो एक ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सीपीयू है, लेकिन उसके अंदर दो प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई है। एक एक प्रोसेसिंग यूनिट को हम यहां पर बोलते हैं कोर। तो ये जो टर्म आई कोर, ये एक्चुअल में कोर एक प्रोसेसिंग यूनिट के लिए बोला जाता है। तो एक ही चिप के अंदर दो कोर है, जिसका मतलब है दो प्रोसेसिंग यूनिट है। तो इससे क्या हुआ कि कॉस्ट तो कम हो गई आपके कंप्यूटर की, लेकिन प्रोसेसिंग पावर आपके कंप्यूटर की बढ़ चुकी है। तो इंटेल ने पेंटियम 4 के बाद जो प्रोसेसर लॉन्च किया था वो था कोर 2 डुओ और ड्यूल कोर। उसके बाद i3, i5, i7, i9 तक आ चुका है। तो ये सब जो कंप्यूटर्स में प्रोसेसर्स हैं, बेसिकली ये ऐसे सीपीयू हैं जिसमें एक से ज्यादा कोर है। आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि i3 के अंदर दो कोर हैं, i5 के अंदर चार कोर है, i7 के अंदर 8 कोर होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, सच्चाई ये बिल्कुल भी नहीं है, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बल्कि इसके बारे में सही क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूं। चलिए अभी आपको लेकिन ये तो समझ में आ गया कि एक कोर का मतलब एक प्रोसेसिंग यूनिट। तो अगर एक ही चिप के अंदर दो कोर लगे हुए हैं तो ये कंप्यूटर ज्यादा पावरफुल है। तो जितने ज्यादा कोर आप लेंगे उतना ज्यादा पैरेलल काम आपका कंप्यूटर कर पाएगा। तो जब आप एक ही कंप्यूटर में मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ स्टार्ट कर देते हैं तो वो अलग अलग कोर काम को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और बड़े आराम से बहुत फास्ट उस काम को कर देते हैं। तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा कोर का लेना चाहिए, लेकिन देखो भाई बजट भी कोई चीज होती है, इसीलिए आपको ये वीडियो देखने की जरूरत है कि हमारा पैसा भी ज्यादा खर्चा ना हो और हमारा काम भी हो जाए। कोर के बाद जो अगली चीज आपको परेशान करती है वो है हाइपर थ्रेडिंग। अब ये हाइपर थ्रेडिंग एक कॉन्सेप्ट है जो इंटेल वालों ने इंट्रोड्यूस किया था, और सबसे पहले ये पेंटियम 4 के साथ ही उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जो कि आज हर प्रोसेसर के साथ वो लॉन्च करते हैं। बेसिकली हाइपर थ्रेडिंग कर क्या रहा है, जैसे कि आपके सीपीयू में दो कोर लगे हुए हैं तो दो कोर है मतलब दो काम पैरेलली हो सकते हैं,
लेकिन एक कोर को हाइपर थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट वर्चुअली दो कोर में डिवाइड कर देता है, मतलब फिजिकली हार्डवेयर में तो वो दो कोर ही है टोटल, उस प्रोसेसर के अंदर सिर्फ दो कोर है, लेकिन हर एक कोर को दो दो कोर में लॉजिकली कन्वर्ट कर देता है हाइपर थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट, तो टोटल चार कोर के जैसे बिहेव करने लगता है हमारा प्रोसेसर। तो आप सोच के देखिए कि आपने फिजिकली एक ऐसा प्रोसेसर खरीदा है, एक ऐसा सीपीयू खरीदा है जिसमें दो कोर हैं, लेकिन हाइपर थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट की वजह से वो चार कोर की तरह बिहेव कर रहा है, तो आपकी कम कॉस्ट में आपको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है, तो हाइपर थ्रेडिंग तो मुझे चाहिए ही चाहिए। लेकिन इसके बाद एक और टर्म जो आपको परेशान करती है वो है जनरेशन। अब ये जनरेशन क्या है, तो देखो दोस्तों, ये जो प्रोसेसर होता है, ये जो चिप बनती है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर का जो साइज है वो हर जनरेशन के साथ रिड्यूस होता जाता है। इसके रिड्यूस होने से होता क्या है, प्रोसेसर का जो साइज है वो भी कम हो सकता है, उसकी प्रोसेसिंग पावर, जो उसको पावर की जरूरत होती है अपना काम करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, वो कम हो जाती है। जब पावर कम चाहिए होता है तो आप सोचिए कि आपके कंप्यूटर की बैटरी लाइफ बढ़ जाती है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप जितनी लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर लेंगे, उस कंप्यूटर में, जो उस खासतौर पर लैपटॉप की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर बैटरी लाइफ ज्यादा होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लैपटॉप की बैटरी लाइफ ज्यादा रहे, तो ज्यादा से ज्यादा लेटेस्ट जनरेशन वाला प्रोसेसर आपको लेना है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज की डेट में 10th जनरेशन लेटेस्ट आ चुका है, तो आप 8th जनरेशन के पीछे तो मत जाइएगा, 8th, 9th या 10th जनरेशन का ही आपको लैपटॉप लेना चाहिए। शुरुआत में जब ट्रांजिस्टर यूज होते थे, मैं बात कर रहा हूं इंटेल के शुरुआती दौर के प्रोसेसर के, जो 1971-72 में लॉन्च हुए थे, उस समय एक ट्रांजिस्टर का साइज होता था लगभग 10,000 नैनोमीटर, और आज की डेट में जो ट्रांजिस्टर का साइज यूज होता है वो है 7 नैनोमीटर, जो कि अब 5 नैनोमीटर तक लेकर जा रहे हैं। कई जगह इसके एक्सपेरिमेंट भी हो चुके हैं, सक्सेसफुल भी हो चुके हैं, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि आगे आने, और ये साइज दोस्तों आप नेकेड आई से इसको देख भी नहीं सकते, ये इतना ज्यादा छोटा होता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया है कि जितनी ज्यादा लेटेस्ट जनरेशन का आप लैपटॉप लेंगे, प्रोसेसर लेंगे, तो उसमें आपको मिलेंगे ट्रांजिस्टर्स छोटे छोटे, जिसकी वजह से पावर कम कंज्यूम करेगा प्रोसेसर और ज्यादा उसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। अब देखो भाई दोस्तों, असली मुद्दे पर आ जाते हैं कि i3 लेना है कि i5 लेना है कि i7 लेना है। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप इंटेल की साइट पे जाएंगे और वहां पे इनकी प्राइस देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि i3 जो है लगभग 9,000 का आ जाता है, i5 अगर आप लेने जाते हैं तो लगभग 15,000 का आ जाता है, और अगर i7 आप लेने जाते हैं तो लगभग 27,000 का आता है। लेकिन ये प्राइस पे आप बहुत ज्यादा रिलाय मत करिए, क्योंकि अप डाउन होता रहता है, और फिर ये भी तो डिपेंड करता है कि उसके अंदर भले ही i5 है लेकिन उसके अंदर कोर कितने लगे हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि i5 है तो उसमें 4 कोर ही मिलेंगे, i7 है तो उसमें 6 कोर या 8 कोर ही मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। बल्कि इनफैक्ट मेरे पास i7 है लेकिन उसके अंदर 4 कोर है, कई जगह बोलते हैं कि 8 कोर आएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। देखिए, ये आप खरीदते वक्त हमेशा ध्यान रखिए, जब आप कंप्यूटर लेने जा रहे हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप कंप्यूटर, तो सामने वाले से पूछिए कि आप कौन सा प्रोसेसर दे रहे हैं, वो बड़ी खुशी खुशी बताएगा कि इसमें i3 है या i5 है या i7 है। लेकिन बात यहां खत्म मत करिएगा, आप इसके आगे ये जरूर पूछिएगा कि उसमें कितने कोर अवेलेबल है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि i5 है तो उसमें 4 ही कोर मिलेंगे। ध्यान से सुनिए, i3 है तो 2 कोर भी हो सकता है उसमें, 4 कोर भी हो सकता है, i5 है अगर तो उसमें 2 कोर भी हो सकता है, 4 कोर भी हो सकता है, 6 कोर भी हो सकता है। i7 की अगर बात करें तो 2 कोर से लेकर 8 कोर तक कितने भी कोर एक ही प्रोसेसर में हो सकते हैं। तो जब आप खरीदने जाएं तो आप ये अच्छी तरीके से पूछ लीजिए कि इस प्रोसेसर के अंदर कितने कोर है, जितने ज्यादा कोर मतलब उतना अच्छा। लेकिन साथ में ये जरूर पूछ लीजिए कि उसमें हाइपर थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है कि नहीं, क्योंकि हाइपर थ्रेडिंग तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो कम कॉस्ट में आपको डबल परफॉर्मेंस देने वाला है। अगर 4 कोर का कोई प्रोसेसर है तो वो सीधे सीधे कहलाएगा 8 कोर का, क्योंकि वो वर्चुअली तो बिहेव वैसे ही करेगा। लेकिन भैया, इतनी सब टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी कई लोग तो यही परेशान है कि आखिर हमें लेना कौन सा लैपटॉप है, हमें i3 लेना है कि i5 लेना है कि i7 लेना है। तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूं, जिससे आप जज कर लेंगे कि आपको कौन सा वाला लेना है। देखिए, अगर आपको सिंपल सिंपल काम करने हैं, जैसे कि आपको वीडियोस देखने हैं YouTube पर, आपको हो सकता है कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम करना हो, इंटरनेट वेब सर्च करना है, या फिर आप बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ टाइपिंग वर्क कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि i3 इज मोर देन सफिशियंट फॉर यू, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, i3 बहुत अच्छा है, आप उसमें 2 कोर या 4 कोर वाला ले लीजिए, हाइपर थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट उसमें ले लीजिए, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। देखिए, कंप्यूटर की जो स्पीड है सबसे ज्यादा डिपेंड करती है प्रोसेसर पे, लेकिन प्रोसेसर के अलावा रैम और दूसरे
डिवाइसेस भी मैटर करते हैं और जितनी अच्छी कंपनी का आप लेंगे तो वो भी मैटर करता है। लेकिन मान लीजिए कि आपको थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग का भी काम है, आपको वीडियोस देखने भी होते हैं, आपको उसमें टाइपिंग वर्क भी करना होता है और थोड़े कंपैरेटिवली हैवी सॉफ्टवेयर भी आपको यूज करने पड़ जाते हैं। हो सकता है कि आप एक स्टूडेंट है, आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड काम भी करने पड़ते हैं, तो मैं जानता हूं कि बहुत सारे प्रोग्रामिंग के लिए आईडीज या फ्रेमवर्क्स ऐसे आते हैं जो काफी हैवी होते हैं, ज्यादा प्रोसेसिंग पावर मांगते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स को खास सलाह देता हूं कि आप i5 प्रोसेसर कम से कम लीजिए। देखिए पैसा है तो कितना भी फेंकिए वो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप बजट पे लेना चाहते हैं तो भी मैं आपसे बोलता हूं कि अगर इतना सारा काम आपको करना है तो फिर आप i5 प्रोसेसर लीजिए। तो जैसे मैंने आज से 6-7 साल पहले भी एक i5 प्रोसेसर लिया था तो आज भी वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, कि मेरी सारी जरूरतों को पूरा कर रहा है। लेकिन अगर आप हैं गेमिंग के बहुत ज्यादा शौकीन, देखिए सिंपल गेम अगर आपको खेलने हैं तो वो तो i5 में भी बहुत अच्छे चल जाएंगे, लेकिन आपको हाई एंड गेम्स खेलने हैं, आपको गेम का बहुत शौक है, उसमें बढ़िया ग्राफिक्स आप देखना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि बीच में वो हैंग हो, बहुत स्मूथली वो वर्क करे, रिस्पॉन्स टाइम उसका बहुत अच्छा हो, प्रोसेसिंग पावर बहुत अच्छी हो, या फिर आपको बहुत हैवी वीडियो एडिटिंग करनी है, तो ऐसी जगह पर आपको जरूरत पड़ती है i7 प्रोसेसर की। मैं बोलता हूं कि ये बहुत एलीट लोगों के लिए, सबके लिए जरूरी नहीं है कि वो i7 प्रोसेसर खरीदे। मेरे पास एक लैपटॉप है जिसमें i7 प्रोसेसर है, उसमें 4 कोर है, 16 GB की रैम है और वो वीडियो एडिटिंग के लिए उसका इस्तेमाल करता हूं, तो वो मेरे को बहुत जल्दी वीडियो एडिट करके दे देता है, तो इसलिए मैं उसको यूज करता हूं। तो वो जरूरी नहीं है कि हर इंसान को इतनी हैवी वर्क करने की जरूरत पड़ती हो। तो प्लीज आप लोग इस आधार पर तय कर ले कि आपको कौन सा प्रोसेसर लेना है। मार्केट में तो i9 भी आ चुका है, i9X सीरीज में अगर देखें तो 18 कोर तक अवेलेबल है। अब आप सोच सकते हैं कि वो कितने एक्सट्रीम लेवल के हाई एंड जॉब्स के लिए बनाया गया होगा, खासतौर पे जो मूवीज की वीडियो एडिटिंग होती है उसके लिए वो यूज होता है, या फिर बहुत हाई एंड गेम्स होते हैं उसके लिए वो यूज होता है। तो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और मुझे लगता है कि आज की वीडियो में आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आई है और वीडियो आपको काम का लगा है तो प्लीज आप इसको जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करिए, लाइक जरूर करिए, इससे आप मुझे मोटिवेट कर देंगे और मैं आगे और भी इस तरह का कॉन्टेंट आपके लिए लाता रहूंगा। तो फिर आपको देर किस बात की है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं वीडियोस आपके लिए लगातार बना रहा हूं। थैंक यू, गुड बाय।